बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी से मैं वाई सर और नीरज सर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी ग्रुप डी का रनिंग चल रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन जो यहाँ लड़का था जो अपना मेहनत किया है, जैसे सर कराए हैं, हम कराए हैं, उस लेवल से अपना निकाल कर आ रहे हैं। ऐसे भी हमारे भाई यहाँ आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं वहाँ का, ये हर एक कहाँ कहाँ गए थे, किस जोन में गए थे, ये सब बताएंगे। और वहाँ कितना का ट्रेक है, अभी भी जिनका बाकी है वो हताश ना हो, अपना कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत कीजिए। सुबह और शाम, ये नहीं कि एक समय रनिंग कर लिए तो इस समय आराम किया, ऐसा कीजिएगा तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, इनके लिए एक जोरदार सबसे पहले इनसे, आपका जोन कौन था? रांची। अब वहाँ का ट्रेक था खड़गपुर में। हाँ, अब वहाँ का ट्रेक कैसा था? 333 का था, क्रिकेट ग्राउंड का ट्रैक था, हल्का ग्रास था, अच्छा था। मतलब यहाँ जैसे हम लोग, जैसे आप रनिंग किए हम लोग के साथ है, चाहे और लड़का भी रनिंग किया, और वहाँ के रनिंग में क्या बेनिफिट? यहाँ से वो बहुत इजी है, जिस स्टेप में यहाँ दौड़ते हैं अपना स्टेमिना पर दौड़ जाइए, 100% हो ही जाना है। जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम कब था? मेरा रिपोर्टिंग 7:30 में, और फर्स्ट दिन था इसलिए लेट थोड़ा लगा, 9:30 में दौड़ आया। कितना लड़का को एक बार में 50 लड़का छोड़ रहा था एक एक करके, बड़ा सा पटरी था, पहला पैर वहाँ रखना है। पास कितना हुआ? और पास हुआ था लगभग 65% 70% पास। जैसे मान लीजिए आगे का भी अभी आने वाले समय में बच्चा लोग का है, तो उन लोग के लिए क्या आप लोग का सुझाव रहेगा? सुझाव कुछ नहीं है, जिस तरह से आप करते हैं उस स्टेप से कीजिए। पानी अपना डेली पीजिए, वो जरूरी है, पानी कम नहीं होना चाहिए, और अपना स्टेप पे दौड़िए, अपना जितना स्टेमिना लगा के दौड़िए, एकदम हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो यहाँ करा देते हैं वो काफ़ी है, इससे ईजी वहाँ पड़ेगा। आइए एक और आदमी है, उनसे जानते हैं उनका कौन सा जोन था। आपका कौन जोन था? मुंबई। इनका मुंबई था, और आपका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे? 10 बजे। जैसे हम लोग यहाँ, हम लोग के पास कब जुड़े, कितना समय था? मैं तो 2 तारीख को जुड़ा था। दो जनवरी 2023। अच्छा, और आपका दौड़ कब था? 19 जनवरी। 19 जनवरी का। तो यहाँ का जैसे मेहनत हम लोग कराए, उसके बदौलत वहाँ का ट्रैक बहुत ही, ट्रैक तो एकदम मखमल टाइप का था, एकदम ईजी था, यहाँ स्टेप खोल के मारिए और वहाँ से अपना बस यही 4 रन कम्प्लीट कर ले, कोई अपना स्टेमिना पे उसका एकदम फिक्स है कि कोई नहीं रोक सकता है, और मेहनत करें लेकिन डेली। जैसे आप लोग मेहनत किए सुबह शाम, वैसे आने वाला भी जो भी बच्चा है जिसका ये डेली मेहनत करे, ग्राउंड आए थोड़ा ही दौड़े लेकिन ग्राउंड आए, मेहनत करे, ग्राउंड छोड़े नहीं, रहेगा लेकिन सबका हो जाएगा। आइए इनसे भी जानते हैं, आपका कौन जोन था? सेंट्रल मुंबई। आपका मुंबई था, आपका कब था? मेरा 20 तारीख को था, 10 बजे। आपका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे कितना बच्चा के दौड़ा है आपके साथ? 25-25 के बैच को रहा था, 10-50 लड़का ग्रुप में, लेकिन 25 का दो कितना पास हो रहा है? लगभग 5 लड़का फेल और सब लमसम, मतलब जो जा रहा है मेहनत थोड़ा बहुत किया वो पास, जो दौड़ा है ना अपना एफर्ट पूरा लगा दिया ना वो पास। आपका ये हमारे एकेडमी के भोला है, भोला से जानते हैं इनका जरिया। आपका कौन जोन है? मेरा चंडीगढ़ जोन है। चंडीगढ़। और आपका कहाँ था? मेरा लखनऊ में था। और वहाँ आपको कितने बजे रनिंग कराया? वैसे एंट्री था 1 बजे मेरा, और 4:27 पे वहाँ दौड़ाया। तो आप यहाँ के अपेक्षा वहाँ का रनिंग कैसा रहा? यहाँ मेरा 4:15:20 भी लग आ जाता था, वहाँ 4:05 मार। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी नीलो फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं, आने वाला समय में 2-4 या 10 दिन बाद मेडिकल भी होने वाला है, या कहीं कहीं मेडिकल शायद शुरू हो गया है, वेस्टर्न मुंबई का स्टार्ट हो गया है, तो मेडिकल का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, जो भी हमारे पास जानकारी मिलेगा उसको लेकर के आप लोग, ये अगर है उसमें कोई दिक्कत है उसको पहले ही आप लोग दिखा लीजिए। और रही बात कि ये चारों अगर निकाल के आए हैं, तो मेरा और मेरे एकेडमी के संस्थान के द्वारा जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक पास हुए हैं, उन सभी का दुआ आशीर्वाद इन सबके साथ रहेगा, क्योंकि आने वाला समय में इन लोग का भी मेरिट बने। हम यही दुआ आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला समय इन सभी का, जितना लोग हैं सबका मेरिट बने, कहीं ना कहीं पदस्थापित दिखे। जय हिंद।